हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन, बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साथ ही साथ ये रिएक्शन आपको दे रखी है जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में भी, कहीं बीएससी वगैरह में भी क्रॉस कैनिज़ारो कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें पहले लिखेंगे, फिर इसकी रिएक्शन देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट जरूरी है, कैसा मीडियम होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन को मेरे साथ लिखना चालू कर दो आप भी और समझना भी, क्योंकि 15 से 20 मिनट लूंगा पर आपकी पूरी कैनिज़ारो रिएक्शन आपकी, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एल्डिहाइड। क्या चाहिए आपको? एल्डिहाइड चाहिए, और ऐसा वैसा एल्डिहाइड नहीं चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब जिसे पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता उसे मैं बताऊंगा। तो देखो, एक ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया CH3CHO और एक एग्जाम्पल है SCHO, दोनों एल्डिहाइड है। यहां पर आपको दिख रहे हैं दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस वन इज एल्डिहाइड, दिस वन इज एल्डिहाइड। अब एक बात बताइए, क्या इस एल्डिहाइड से अटैच एक कार्बन है? तो जो भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच वाला कार्बन होता है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड, तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच वाला जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से अटैच वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, पर हमें तो ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसे देखिए, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल है। क्या इसके साथ में कोई कार्बन अटैच है? नहीं। अगर कार्बन अटैच नहीं है तो हाइड्रोजन तो दूर की बात है, तो ना तो यहां पे अल्फा कार्बन ना यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम ले लेते हैं SCHO को रिएक्शन में, चलेगा आपको? क्योंकि हमें एक ऐसा एल्डिहाइड लेना था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो एग्जाम्पल हो गया फॉर्मल्डिहाइड जिसका नाम है SCHO, या फिर एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं तो है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया बेंजल्डिहाइड, एक एग्जाम्पल हो गया फॉर्मल्डिहाइड SCHO। चलिए अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैनिज़ारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया SCHO और बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं इसके? क्योंकि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, इसलिए हम बोल रहे हैं बेंज एल्डिहाइड। चलिए अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो रिएक्शन में एक ऐसा एल्डिहाइड लेता हूं मैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, SCHO। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैंने इसको एज ए रिएक्टेंट ले लिया, और इस SCHO की रिएक्शन में SCHO से ही कराऊंगा क्योंकि यहां पे नॉर्मल केनिजारो है। नॉर्मल केनिजारो में मेरे को एक ही तरह का एल्डिहाइड लेना होता है। एक होती है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसमें मेरे को दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे, जैसे एक तो SCHO लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड, तो वो अलग रिएक्शन हो गई। यहां पर केनिजारो सिंपल है तो एक ही को मैं दो बार ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई क्रॉस नहीं करवाना, सिर्फ नॉर्मल केनिजारो। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैनिज़ारो रिएक्शन में एक ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, हमने देखा एग्जांपल जैसे SCHO। अब इस SCHO की रिएक्शन में कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। कैसा मीडियम होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होता है, ठीक है, और साथ में यहां पर मुझे करानी होती है हीट, और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। किसकी प्रेजेंस में करानी पड़ती है? KOH की प्रेजेंस में करानी पड़ती है। तो जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम एंड हीट। हियर फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले आपको लिखना है कार्बन, कार्बन के साथ आपको लिखना है OK, क्या लिखना है? OK, और एक लिखना है हाइड्रोजन और एक लिखना है डबल बॉन्ड O। कार्बन लिखना, कार्बन के साथ क्या लिखोगे? OK, और एक लिखना हाइड्रोजन एक लिखना डबल बॉन्ड हो। साथ में एक और प्रोडक्ट आपको यहां पे बनेगा CH3OH,
अब आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट बने कैसे, सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि आप समझाने आए हो रटाने नहीं। तो देखो मैं समझाऊंगा, पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा, पर सबसे पहले आपको पहले क्या लिखना पड़ता है, जैसे आपको केनिजारो रिएक्शन पूछी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, केनिजारो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। केनिजारो रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ KOH स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम रिएक्शन होती है। केनिजारो रिएक्शन में हीट भी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये चार पांच पॉइंट लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी है, फिर आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो अगर फिर भी आपको ये याद रखना है तो मैं बता देता हूं। देखिए यहां से हाइड्रोजन जाता है तो बचता है CHO, CHO, और यहां से आता है OK। कहां से आता है, इस मीडियम से आता है OK। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। और दूसरा देखिए CH और एक H यहां से आ गया तो CH3, CH3। अब ये O है और ये H है तो OH। ये मैंने बस याद रखने के लिए बताया है। ठीक है, अब अपन चलेंगे इसके मैकेनिज्म पे कि ये रिएक्शन केनिजारो वाली हो कैसे रही है। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और ये एरो जो है ध्यान से लगाना ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए और आपको भी, क्योंकि बाद में जब आप देखोगे तो डबल डबल आपको लेक्चर ओपन ना करना पड़े। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। अब देखिए जो केनिजारो रिएक्शन है वहां पे सर आपने बोला कि SCHO की रिएक्शन होगी SCHO के साथ, तो एक एक करके लेते हैं। पहले मैं एक SCHO को लेता हूं, फिर मैं बुलाकर दूसरे SCHO को ले लूंगा। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। अब इस SCHO की रिएक्शन मैं कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रहा हूं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानता वो सुन ले। तो यहां पर क्या होगा, OH नेगेटिव निकलेगा, के प्लस ओ एच नेगेटिव, इस तरह से ये डिसोसिएट होता है। और यहां पर ये जो SCHO है, क्या मैं इस SCHO को ऐसे लिख दूं ओवर करके, ध्यान से देखना, कार्बन का कार्बन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O लिख सकता हूं ना। कार्बन की वैलेंसी भी चार होती है, देखिए 1 2 3 4, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन शिफ्ट कर दिया तो कार्बन डबल बॉन्ड O एच एच। क्या इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, एक ही बात है। अब यहां पे देखिए जो ऑक्सीजन होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होती है, फिर अगर मैं फ्लोरीन के बाद देखूं तो ऑक्सीजन की होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब कार्बन सोच रहा है कि यार ऑक्सीजन को मना भी नहीं कर सकते, पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतनी ज्यादा है इसकी, और इसको कुछ कहा तो मेरी खैर नहीं। तो कार्बन सोचता है जान दो यार, कोई बात नहीं, टेंशन वेंशन नहीं लेता वो, क्योंकि उसको पता है ऑक्सीजन है ले जाएगा। तो कार्बन पे आएगा पार्शल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा पार्शल नेगेटिव। पार्शल क्यों, क्योंकि रिएक्शन अभी चल रही है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, क्लियर है, इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, SCHO को बस अभी मैंने खोला है और कुछ भी नहीं करा। अब एक बात बताइए, यहां पर है OH-, क्या है OH-, ये OH- कहाँ टिक करेगा, इस कार्बन में, क्यों करेगा सर, अरे भैया OH नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव में तो समझ रहे हो ना, हाँ ऐसा ही कुछ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा अब वो बनेगा, देखो ध्यान से देखना, कार्बन ओ नेगेटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे बनेगा हमारा OH। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो देख लो, सिर्फ वो इस OH को यहां पे जोड़ दिया, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस OH को कार्बन के पास जोड़ा है। अब देखिए घर में बीवी है, नहीं है क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, बाद में जब बीवी आएगी उसके सामने तुम्हारी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, बात मानो बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे तुम कितने ही वो एटीट्यूड वाले हो, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, अब ऑक्सीजन चाहता है कि मैं वापस अपना नेगेटिव चार्ज दे दूं, ऑक्सीजन क्या चाहता है कि मैं वापस अपना नेगेटिव चार्ज दे दूं, तो ये तो अच्छी बात है सर, ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है, पर बहुत गलत हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ दो बॉन्ड आ जाएंगे, और जैसे ही दो बॉन्ड आएंगे, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड और ये पांचवा बॉन्ड, और कार्बन तो कभी पांच बॉन्ड बनाता ही नहीं है। फिर आप क्या करें सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ऑक्सीजन को तो मना कर नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां पर वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है? बैक बॉन्डिंग। और बीबी को तुम मना कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने बोला बीबी से तुम जीत ही नहीं सकते। बैक बॉन्डिंग तो होके रहेगी, बीबी तो आके रहेगी, और बीबी अपने हुक्म भी चला के रहेगी। अब तुम्हें करना है जो करो। कार्बन परेशान क्या करे, क्योंकि सर पांच बॉन्ड हो जाएंगे, अपन भी रिएक्शन आगे नहीं कर सकते। तो देखो एक काम करते हैं, क्या OH को निकाल दें क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि OH तो प्यार करके आया, और प्यार करने वाले को निकालने से पाप लगता है। फिर अब क्या करें यार, ना OH को निकाल सकते, ना बैक बॉन्डिंग को रोक सकते। अब तो एक ही नीयत बिगड़ रही मेरी, हाइड्रोजन के ऊपर, इस वाले को या इस वाले को, किसी को भी धक्का दे के निकाल दो। मैंने इसको धक्का दे के निकाल दिया। अब हाइड्रोजन को धक्का दे के क्यों निकाला? क्योंकि प्यार से तो निकल नहीं रहा था, और निकालना मजबूरी थी हमारी। तो जैसे ही हमने इसको धक्का दे के निकाला, ये गुस्से में निकला एच माइनस की फॉर्म में, देख लूंगा, इसलिए ऐसे निकला है, देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है यार भाई, अब निकल जा, अब क्या कर सकते हैं। तो एच माइनस की फॉर्म में ये निकला। अब जैसे ही एच माइनस की फॉर्म में ये निकला, यहां पर जो ये है ये कन्वर्ट हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच। समझ में आ रहा है ये कैसे बना है? ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग कर ली, बीबी बीबी आ गई तो डबल बॉन्ड बनेगा, घर गृहस्थी बस जाएगी, बस तुम्हारी चलेगी नहीं, और हाइड्रोजन को धक्के मार के निकालना पड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ मैंने एक एल्डिहाइड को खोल के देखा है, अभी एक फॉर्मेल्डिहाइड को खोल के देखा, अभी दूसरे एस सी एच ओ की बारी है। और यहां पर एक बात ध्यान रखना कि एक तो एच नेगेटिव अभी भी रिएक्शन में है फ्री फॉर्म में, और एक के पॉजिटिव का भी अभी कोई काम नहीं आया। तो के पॉजिटिव एच नेगेटिव अभी भी जिंदा है रिएक्शन में। जब मैं दूसरे एस सी एच ओ को तोड़ूंगा तो ये दोनों काम आएंगे। यहां पर लिख लेता हूं, के पॉजिटिव है और एच नेगेटिव रिएक्शन में चल रहे हैं अभी भी, और साथ ही साथ ये जो बना है, ये बना है सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच। क्या मैं इसको रफ कर दूं? एक बार आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने देखा एक एस सी एच ओ को तोड़ के, अब दूसरे एस सी एच ओ को हम तोड़ेंगे। अच्छा, केनिजारो रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान से सुनना। केनिजारो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होता है और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का तो ऑक्सीडेशन हो और एक का रिडक्शन हो, उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, ये बात भी स्टार्टिंग पॉइंट में लिख देना। चलिए चलते हैं। हमने बनाया था ये एक एस सी एच ओ से, हमने ये बनाया है, और ये जो है फ्री फॉर्म में रिएक्शन में है। अब दूसरे एस सी एच ओ को पकड़ते हैं। जब मैंने दूसरे एस सी एच ओ को पकड़ा, मैंने उससे बोला भाई क्या हालचाल, तो वो बोलता है वही पुराने वाले, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो फाइनली ये वाला एस सी एच ओ भी इसी तरह से बन गया अभी तक, ये इसी तरह से आ गया। ठीक है, ये वाला एस सी एच ओ भी कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया। अब देखिए, मैंने आपको बोला था ये जो प्रोडक्ट बना है, ये दूसरे एस सी एच ओ को तोड़ने से बना है, ये दूसरा वाला है, दूसरा सेकेंड वाला। अब आपको मैंने बोला था रिएक्शन में के प्लस एच माइनस घूम रहे हैं, तो इस के प्लस को तो इस माइनस के पास पहुंचा देता हूं, और इस एच माइनस को मैं इस कार्बन के पास पहुंचा देता हूं। देखिए, आपको समझ में आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो इस नेगेटिव चार्ज के पास आया के प्लस, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास आया एच माइनस। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, ये आपको पता होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, के प्लस जो है ओ माइनस के पास आया, और एच माइनस जो है सी प्लस के पास आया, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस की तरफ आएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर अब जो बनेगा वो बनेगा सी ओ, ओ के पास क्या आया के एच, और यहां पर क्या आया एच एच, देखो H का H, H का H, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या आया H आया, तो मैंने ये H लिख दिया, और यहां पर O के पास क्या आया K आया, तो मैंने ये K लिख दिया। ठीक है, अब एक तो बना मेरे पास ये, और एक बना था मेरे पास ये जो कि लास्ट एस सी एच ओ से बना था, और ये अभी वाले एस सी एच ओ से बना है, दूसरे वाले एस सी एच ओ से।
अब इन दोनों की मैं रिएक्शन कराऊंगा, दिस रिएक्ट विद दिस, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर सी एच ओ एच डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं इससे कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना कैसे होगी। यहां पर सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करनी है, मैं इस हाइड्रोजन को बोलूंगा कि भैया आप काफी अच्छे हो, आपके काफी चर्चे हैं, पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो मेरी एक छोटी सी बात मान लो। वो बोलता है क्या, मैं कहूंगा कि आप यहां से उठकर इसके पास आ जाओ, के पास, और मैं के को बोलूंगा कि सर आप इसकी जगह से उठ के हाइड्रोजन के पास आ जाओ। मतलब यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि ये जो हाइड्रोजन है ये के की जल चल जाएगा, और ये जो के है ये हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा के का और एच का। तो जब ऐसा होगा तो ध्यान से देखो क्या होगा, कार्बन का कार्बन, चलिए ठीक है सर कार्बन का कार्बन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके डन। अब यहां पे क्या हुआ, ओ, और ओ के पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, क्योंकि के तो जा रहा है, के घर छोड़ के जा रहा है, इसके बदले कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ओ, और यहां पर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है एच, एक तो ये बन गया। अब यहां से क्या हुआ, के जा रहा है, और के किसके पास जा रहा है, इसके पास, सी डबल बॉन्ड ओ का डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, दिस वन दिस वन, और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, ये के आ रहा है, तो यहां पर ओके, दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो केनिजारो रिएक्शन में क्या यही प्रोडक्ट मैंने बनाए थे, सी एच थ्री ओ एच, सी एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, सी एच थ्री और एक ओ एच, तो ये बन गया हमारा सी एच थ्री ओ एच, यही बन रहा था, और ये बन गया हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन ओ के, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। और मैंने आपको बता दी इसकी पूरी मैकेनिज्म कि ये कैसे बना है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, काफी इजी वे में मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपने बना लिए होंगे, मैंने सारे पॉइंट आपको बोल के बता दिए, फिर भी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए या टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मैं और भी आपके लिए, अगर आप चाहते कि और भी डेरिवेशन में आपके लिए लेकर आता रहूं, और भी मैकेनिज्म में आपके लिए लेकर आता रहूं, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आता रहूं, तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।